दरअसल नवीन मजीद है। आज मैं आपको सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 का एक बहुत ही अहम लेक्चर बनाने जा रहा हूं, जिसका नाम है किरचॉफ्स सेकंड रूल या किरचॉफ्स लूप रूल। अब सबसे पहले ये लूप क्या होता है? लूप एक क्लोज पाथ होता है एक सर्किट में, जो एक पॉइंट या एक नोड से स्टार्ट पे, बस देखिए फर्ज कीजिए कि इस पॉइंट से स्टार्ट ले रहा है, मुख्तलिफ पॉइंट्स या नोड से सिर्फ एक मरतबा गुजरे और वापस उसी नोड पर वापस आ गए। मैं फिर बता दूं, लूप एक ऐसा क्लोज पाथ होता है सर्किट में, इसमें आप एक पॉइंट या एक नोड से स्टार्ट करें और फिर मुख्तलिफ नोड्स या पॉइंट्स में से गुजरने के बाद सिर्फ एक मरतबा उसी पॉइंट या नोड पर वापस आ जाए, जैसे ये लूप। अब किरचॉफ सेकंड रूल जो है वो गॉस्टॉफ किरचॉफ ने पेश किया था, ये जर्मन फिजिसिस्ट था जिसने इन रूल्स को 1845 में पेश किया था। आपने कहा कि इससे पहले भी एक रूल है किरचॉफ फर्स्ट रूल, तो ये दोनों रूल्स इसने 1845 में पेश किए थे जब ये खुद एक पीएचडी का स्टूडेंट था। बाद में ये रूल्स इसके पीएचडी का थीसिस बन गए थे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए बहुत मुफीद है। अब ये किरचॉफ सेकंड रूल है, इससे आप सर्किट में करंट स्टोर कर सकते हैं मुख्तलिफ कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट्स में, इसके अलावा पोटेंशियल एट डिफरेंट पॉइंट्स एंड नोड्स इन अ सर्किट नोट कर सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंसेस निकाल सकते हैं। ये जो मैंने कहा कि पोटेंशियल्स नोट कर सकते हैं और अननोन रेजिस्टेंसेस नोट कर सकते हैं, इसके बहुत सारे एमसीक्यूज एंटी टेस्ट में भी आते हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल। अब इस रूल की स्टेटमेंट करने से पहले मुझे आपको पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में थोड़ी सी डिटेल बतानी है, और वो कुछ यूं है कि आप जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इसका सिंबल पीडी है, वो इक्वल होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय द चार्ज। फर्स्ट करें चार्ज डेल्टा क्यू है, डेल्टा से मतलब यहां टोटल चार्ज है। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस को आपने कहा एनर्जी पर यूनिट चार्ज, फिजिक्स का रूल है कि जो चीज नीचे आएगी उसको आप यूनिट पढ़ती है, अगर आप अलग अलग पढ़ेंगे तो फिर ये एनर्जी है और ये टोटल चार्ज, इकट्ठा पड़ेंगे तो एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए एनर्जी दो तरह की होती है, सप्लाई एनर्जी भी हो सकती है और डेसिपेटेड एनर्जी भी हो सकती है। जब एनर्जी सप्लाई होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सप्लाइड ही होगा, और जब एनर्जी डेसिपेट यानी खर्च होगी तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी खर्च ही होगा। अब देखिए सप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस को पॉजिटिव पोटेंशियल चेंज भी कहते हैं, क्यों? फिजिक्स में सप्लाई को पॉजिटिव कहा जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियल चेंज भी कहा जाता है, क्यों? पोटेंशियल डिफरेंस में होता यह है कि आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल आते हैं या लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। आपने मेरे वो पोटेंशियल डिफरेंस के टॉपिक में पढ़ा ही होगा कि पोटेंशियल एक किस्म का इलेक्ट्रिक लेवल होता है, जैसे पानी हायर से लोअर लेवल आता है, चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल खुद ब खुद आता है और एनर्जी खर्च करके आता है, लेकिन अगर आप उसको लोअर से हायर पोटेंशियल लेके जाना चाहें तो आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे पानी को आप लोअर से हायर लेवल लेके जाते हैं तो पंप के थ्रू आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। लिहाजा पोटेंशियल डिफरेंस में पोटेंशियल चेंज होता है हायर से लोअर पोटेंशियल या लोअर से हायर पोटेंशियल। अब दूसरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डेसिपेटेड पोटेंशियल डिफरेंस, इसको नेगेटिव पोटेंशियल चेंज भी कहते हैं। डेसिपेटेड का मतलब है नेगेटिव और पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल चेंज है। अब सवाल यह पैदा होता है पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई कब होता है और डेसिपेट कब होता है। अब देखिए ये एक सेल है, ये इसका पॉजिटिव और नेगेटिव है। आपको पता यह है कि नेगेटिव टर्मिनल लोअर पोटेंशियल होता है इसलिए उसकी छोटी लाइन होती है, और पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल होता है इसलिए इसको एक बड़ी लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर सेल में से करंट ट्रेवर्स हो, ट्रेवर्स करना का मतलब होता है अंदर से गुजरना या अबूर करना, अगर सेल में से करंट गुजर रहा है लोअर से हायर, तो आपको पता है लोअर से हायर तो आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है,
और जब आप एनर्जी सप्लाई करेंगे तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी यहां सप्लाइड है और पॉजिटिव पोटेंशियल चेंज है। तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव पोटेंशियल चेंज है, पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस है। आपको पता है सेल के पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कहते हैं, लिहाजा ये पॉजिटिव ईएमएफ है। फर्स्ट केस ईएमएफ E1 है तो ये पॉजिटिव है। अब बेटा आप सप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस को पॉजिटिव पोटेंशियल चेंज भी कहते हैं और इसका एक नया नाम भी रख सकते हैं आप कि पोटेंशियल राइज है। अब आप कहेंगे सर ये पोटेंशियल राइज कैसे है? देखिए जब करंट लोअर से हायर पोटेंशियल ट्रैवर्स हो रहा है, सेल को अबूर कर रहा है, तो ये पोटेंशियल इज राइजिंग फ्रॉम लोअर टू हायर और एनर्जी भी सप्लाई करनी पड़ती है लोअर से हायर, लिहाजा ये सप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस। अब डेसिमेटेड पोटेंशियल डिफरेंस या नेगेटिव पोटेंशियल चेंज के दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट ये है कि अगर सेल में से करंट ट्रैवर्स हो, यदि सेल को अबूर करे अंदर से करें हायर से लोअर पोटेंशियल, तो आप बताए जब कुछ हायर से लोअर लेवल आती है जैसे पानी आता है, एनर्जी खर्च करके आता है, लिहाजा यहां पर भी एनर्जी खर्च होगी, डेसिमेटेड पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और सेल के पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ कहते हैं। फर्स्ट करें सेल का पोटेंशियल E2 है तो आपको उसके साथ नेगेटिव लगाना पड़ेगा क्योंकि डेसिमेटेड यानी नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस या नेगेटिव पोटेंशियल चेंज है। अब इस डेसिमेटेड पोटेंशियल डिफरेंस को आप पोटेंशियल ड्रॉप भी कहते हैं। अब आप कहेंगे सर ड्रॉप क्यों कहते हैं? Because potential is dropping from higher potential to lower potential. Potential drop हो रहा है higher potential से lower potential. अब अगर हम एक resistance की बात करें और resistance में current आपको पता है higher से lower potential आता है, तो ये higher से lower potential current जा रहा है तो ये dissipated potential difference ही है या potential drop ही है। Ohm's law से IR उसके साथ minus का मतलब है कि ये negative या dissipated है। अब आपके बुक में एक रूल लिखा हुआ है कि अगर आप करंट के ऑपोजिट जाएंगे, रेजिस्टेंस को ट्रैवर्स करेंगे करंट के ऑपोजिट, तो फिर सप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल राइज होगा। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप हायर से लोअर करंट आ रहा है आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं तो पोटेंशियल राइज। तो अगर आप करंट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस को ट्रैवर्स करेंगे तो फिर वो पोटेंशियल राइज या पॉजिटिव पोटेंशियल चेंज या सप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। अब अगर आप गौर से देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? अगर मैं ये चार्ज पर जाकर मल्टीप्लाई कर दूं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर वो एनर्जी आ जाएगी। अब देखिए यहां पर सप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस E1 है, तो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस या E है, EMF है। तो अगर आप इस EMF को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर यह सप्लाई एनर्जी हो जाएगी क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस भी सप्लाइड है। आप पॉजिटिव लिखें या ना लिखें सप्लाइड का मतलब भी पॉजिटिव है। इसी तरह यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस है E2 जो कि डेसिपेटेड है या नेगेटिव पोटेंशियल चेंज है या पोटेंशियल ड्रॉप है, उसको भी अगर आप चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें, पोटेंशियल डिफरेंस को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें तो ये डेसिपेटेड एनर्जी बन जाएगी क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस भी डेसिपेटेड। आप नेगेटिव भी लगा सकते हैं क्योंकि डेसिपेटेड डेसिपेटेड लिखा हुआ है, नेगेटिव नाम लगाया तो होगा। इसी तरह ये जो पोटेंशियल डिफरेंस IR है इसको चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस IR को तो ये डेसिपेटेड एनर्जी होगी क्योंकि ये डेसिपेटेड पोटेंशियल डिफरेंस या नेगेटिव पोटेंशियल चेंज या पोटेंशियल ड्रॉप था। अब बेटा हम आपको किरचॉफ सेकंड रूल की स्टेटमेंट बता सकते हैं और वो ये है कि सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस और वोल्टेजेस, क्योंकि आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेजेस भी कहते हैं क्योंकि ये कांसेप्ट एंड्रीस वोल्टा ने दिया था। सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेजेस और पोटेंशियल चेंजेस, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस को आप पोटेंशियल चेंज भी कहते हैं, पोटेंशियल चेंज हो रहा है यहां हायर से लोअर और यहां लोअर से हायर, और पोटेंशियल चेंजेस इन ए लूप या इन ए क्लोज पाथ सर्किट, इन ए लूप या इन ए क्लोज सर्किट इज इक्वल टू जीरो, बराबर होगा जीरो। इसको आप सिग्मा वी भी कह सकते हैं, सम ऑफ वोल्टेजेस या पोटेंशियल डिफरेंसेस, सिग्मा सम। अब जो अभी आपने देखा कि पोटेंशियल चेंजेस या पोटेंशियल डिफरेंसेस दो तरह के हैं, पोटेंशियल राइजेस और पोटेंशियल ड्रॉप्स, लिहाजा आप इन पोटेंशियल डिफरेंसेस को कह सकते हैं कि पोटेंशियल राइजेस भी होंगे, उनमें कुछ कुछ पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल राइजेस या सप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंसेस होंगे और कुछ पोटेंशियल ड्रॉप्स या डेसिपेटेड पोटेंशियल डिफरेंसेस होंगे और इनका सम जीरो।
और यही बेटा आपने प्रूफ करना है कि पोटेंशियल राइजिंग और पोटेंशियल ड्रॉप्स का सम किसी भी क्लोज लूप या सर्किट में जीरो होता है। तो ये अब हम कैसे प्रूफ करेंगे, इसको हम एक एग्जांपल की मदद से प्रूफ करते हैं। क्या आपके सामने एक एग्जांपल है, ये देखिए ये एक लूप है, इसमें दो सेल्स हैं, एक सेल की ईएमएफ या पोटेंशियल रेफरेंस E1 है, दूसरे सेल की ईएमएफ या पोटेंशियल रेफरेंस E2 है। सर्किट में दो रेजिस्टेंसेस हैं R1 और R2। अब सपोज कीजिए कि E1 E2 से ग्रेटर है, यानी पहले सेल की ईएमएफ दूसरे सेल से ग्रेटर है। अब देखिए यहां पर ये वाले सेल के पॉजिटिव से करंट I1 फ्लो होना शुरू होगा, क्योंकि आपको पता है सेल का करंट पॉजिटिव से एमिट होता है या पॉजिटिव से स्टार्ट होता है। इसी तरह इस सेल E2 का करंट यहां से स्टार्ट होगा। अब ये दोनों करंट ऑपोजिट है, तो अब कौन सा करंट दूसरे को कैंसिल कर देगा या दूसरे को ओवरकम कर देगा, उसे गालिब आ जाएगा जिसकी ईएमएफ ज्यादा होगी। अब आपने सपोज किया है कि पहले सेल की ईएमएफ ज्यादा है दूसरे से, इसका मतलब करंट I1 जो है वो I2 को ओवरकम कर लेगा, उस पर गालिब आ जाएगा और इस तरह सर्किट में जो नेट या टोटल करंट फ्लो होगा वो ऐसे फ्लो होगा जो कि आप देख रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज है। ये जो करंट I है ये बेसिकली I1 माइनस I2 है। अगर आपकी किताब में दिया जाता है कि E2 E1 से ग्रेटर है तो फिर I2 I1 को ओवरकम कर लेता और फिर करंट क्लॉकवाइज फ्लो होता इस तरह, और फिर आप कहते हैं कि करंट I इज इक्वल टू I2 माइनस I1। और अगर दोनों सेल्स की ईएमएफ इक्वल होती तो करंट फ्लो ही ना होता, दोनों ईएमएफ कैंसिल हो जाते हैं और फिर आप किरचॉफ रूल लगा ही सकते थे क्योंकि लूप करंट फ्लो ही हो रहा। अब मैं आपको ये प्रूव करने लगा हूं कि किरचॉफ सेकंड रूल जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इलेक्ट्रिकल फॉर्म है, या कहना चाहिए कि उसकी एडवांस फॉर्म है या उसकी मॉडिफाइड फॉर्म है इलेक्ट्रिसिटी। देखिए किस तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक सप्लाई एनर्जी इक्वल टू डेसिपेटेड एनर्जी होती है। अब अगर मैं डेसिपेटेड एनर्जी लेफ्ट साइड पे ले आऊं तो वो नेगेटिव हो जाएगी और दूसरी तरफ जीरो हो जाएगा। अब अगर आप कॉमन सेंस में देखें तो ये वाला सेल करंट सप्लाई कर रहा है क्योंकि इसके करंट ने दूसरे करंट को ओवरकम कर लिया है, कैंसिल कर लिया, तो E1 सप्लाई एनर्जी करेगा। मेरा ख्याल है E2 का अपना करंट तो कैंसिल हो गया है, लिहाजा वो E1 का करंट ही इस्तेमाल करेगा यानी डेसिकेट करेगा और E1 वाला करंट ही इसमें से गुजरेगा। मैं दोबारा बता रहा हूं, देखिए जिस सेल की ईएमएफ E1 है उसका करंट दूसरे करंट से ज्यादा है, लिहाजा इसका करंट इस करंट को ओवरकम कर लेगा और जो करंट I फ्लो होता है वो बेसिकली E1 के की वजह से है, लिहाजा ये एनर्जी अब सप्लाई कर रहा है। ये जो E2 है जिस सेल की ईएमएफ, इसका अपना करंट तो कैंसिल हो गया, यानी अब ये किसी को सप्लाई नहीं कहा बल्कि ये E1 का करंट ही अपने अंदर से फ्लो करवा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये एनर्जी डेसिपेट कर रहा है। अभी मैंने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दे तो एनर्जी हो जाती है। अब मैंने कहा कि ये एनर्जी सप्लाई कर रहा है तो फिर इस पोटेंशियल डिफरेंस E1 को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दे तो ये सप्लाई होती है, यानी इस पोटेंशियल डिफरेंस E1 को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दे तो ये सप्लाई होती है। E2 क्योंकि E1 के करंट को खर्च कर रहा है लिहाजा E2 में एनर्जी डेसिपेट हो रही है, किसके करंट की वजह से, E1 के करंट की वजह से, लिहाजा इसका पोटेंशियल E2 को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दे तो जो एनर्जी इसके अंदर डेसिपेट हो रही है वो आ जाएगी और वो माइनस है डेसिपेटेड। रेजिस्टेंसेस में तो होती ही डेसिपेट है एनर्जी, तो इसलिए IR1 जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहां पर करंट I फ्लो रहा है, I1 भी फ्लो रहा है, I1 माइनस I2 तो यहां पर होगा IR1 डेसिपेटेड पोटेंशियल डिफरेंस और वो चार्ज से आप मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरह इसमें भी डेसिपेट होगा और इस पोटेंशियल डिफरेंस IR2 को भी चार्ज से मल्टीप्लाई करते हैं और ये जीरो। तो देखा आपने कि ये सप्लाई कर रहा है, ये वाला सेल इसके में E1 है, ये वाला सेल इसी के करंट को खर्च कर रहा है, एनर्जी डेसिपेट हो रही है और रेजिस्टेंसेस में भी एनर्जी डेसिपेट हो रही है। अब अगर आप गौर से देखें तो आप इन रूल्स की मदद से भी सीख सकते हैं। देखिए मैंने कहा था जिस सेल के अंदर करंट नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, यानी लोअर से हायर पोटेंशियल जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जाएगा, वहां सप्लाई एनर्जी होगी। तो गौर से देखें इस सेल के अंदर करंट नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है। देखिए बाहर भी देखना आपने रूल लगाकर
आप अंदर देख रहे हैं, जब ट्रेवर्स होता है साइलो बूर होता है, ट्रेवर्स करना बूर करना अंदर से गुजरना, तो ये देखे एनर्जी सप्लाई हो रही है लो से हायर पोटेंशियल एनर्जी सप्लाई। इसमें देखिए इस रूल के तहत जब पॉजिटिव से नेगेटिव साइलो बूर होता है करंट बूर करता है तो यहाँ एनर्जी खर्च होगी क्योंकि डेसिपेटरी पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल इज ड्रॉपिंग फ्रॉम हायर टू लोअर। तो ये देखिए यहाँ में भी ऐसे होगा, देखिए डेसिपेटेड ही है साबित हो रहा और सिस्टम में है डेसिपेटेड, तो इन रूल से भी ये बात साबित हो रही है। अब अगर आप देखें इन सब में डेल्टा क्यू कॉमन है, डेल्टा क्यू वो टोटल चार्ज है जो सर्किट में फ्लो हो रहा है, तो डेल्टा क्यू कॉमन लेंगे तो ये अंदर याद रहेगा। अब अगर आपको स्कूल मैथमेटिक्स याद रहा है तो अगर लिखा हो एक्स इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो आप कहते हैं या तो एक्स जीरो है या एक्स माइनस वन जीरो, बिल्कुल यही बात यहां पर है कि या तो ये डेल्टा क्यू जीरो है या ये अंदर वाली सारी ब्रैकेट की वैल्यू जीरो, लेकिन डेल्टा क्यू तो जीरो नहीं है, चार्ज तो जीरो नहीं है, चार्ज तो फ्लो हो रहा है सर्किट में, तो अगर डेल्टा क्यू जीरो नहीं है तो अंदर वाली वैल्यू जीरो है। और ये चीज अगर आप गौर से देखें तो प्रूव हो चुका है, इवन जो है ये पोटेंशियल राइज है एनर्जी सप्लाइड, ये पोटेंशियल राइज हो रहा है लोअर से हायर तक, सेल के अंदर से करंट ट्रैवर्स होता मूव करता सेल, और बाकी ये तीनों ड्रॉप्स है। कैसे पता है ईडी में ड्रॉप है हायर से लो और रेजिस्टेंस में लो, फिर ड्रॉप्स है, तो इसका मतलब पोटेंशियल राइज और पोटेंशियल ड्रॉप्स का सम जीरो। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर पोटेंशियल राइज का ए भी होना चाहिए, आपकी किताब में एग्जाम्पल ऐसी दी है कि जिसमें ए है, अगर आपकी किताब यहां पर भी एक सेल ले लें, देखिए मैं लेकर दिखा देता हूं कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है और इस सेल की ईएमएफ ई थ्री है, तो मेरा ख्याल है ये भी राइज होगा लोअर से हायर पोटेंशियल, जब सेल दूर हुआ तो फिर यहां पर सिर्फ ई वन ना आता, फिर यहां पर आता है ई वन प्लस ई थ्री, यानी जरूरी नहीं है कि पोटेंशियल आई ए की हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, अब मेरे आपसे दो सवाल है, पहला सवाल ये है, अभी मैंने आपको कहा कि अगर आप रेजिस्टेंस को ट्रेवर्स करें करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में तो फिर पोटेंशियल राइज होगा, बात तो समझ आती है कि यहां ड्रॉप हो रहा है से तो करंट के ऑपोजिट जाएंगे तो राइज होगा, लेकिन अब सवाल ये है कि आप करंट के ऑपोजिट कब और कहां जाएंगे, इस सवाल का आप जवाब देंगे। दूसरा मैंने आपको कहा कि किरचॉफ रूल से आप पोटेंशियल एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ सर्किट भी निकाल सकते हैं, तो इसकी भी कोई एग्जांपल बताइए और ढूंढिए कि पोटेंशियल्स कैसे निकाल सकते हैं। करंट्स तो आपने निकाले हैं, आपने न्यूमेरिकल 13.7 और 8 में आपने देखा किरचॉफ रूल से करंट्स को कैलकुलेट किया जा सकता है। उम्मीद है कि आपको मेरा आज का लेक्चर समझ आया होगा, मैं आपकी इंटरेक्शन का और आपके सवाल का YouTube पर मुंतजर रहूंगा। बहुत शुक्रिया।